हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको एक स्पेशल रेमेडी देने जा रही हूँ जो कि लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने अक्सर देखा है कि बहुत सी लेडीज को आफ्टर डिलीवरी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। वो हिस्सा जिस हिस्से पर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं बहुत ही बुरा लगने लग जाता है और काला लगने लग जाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रेच मार्क्स को हटाया जाए और उसे हटाने के लिए ही स्पेशल रेमेडी देने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे ट्राई जरूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आसानी से मेरे सारे टिप्स जा सकें और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं एक जेल बहुत ही इजी वे में। तो मैंने ये लिया है एलोवेरा जेल, मैंने पतंजलि का लिया है। आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। और अगर आपके घर में ये एलोवेरा का प्लांट हो तो आप इसे भी काट के इसका पल्प निकाल कर ले सकते हैं। तो एक चम्मच लेंगे एलोवेरा जेल, ये मैंने एक चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपने एलोवेरा जेल लेना है उतनी ही क्वांटिटी में आपने ऑयल लेना है। ये मैं बादाम का तेल ले रही हूँ, ये भी मैं पतंजलि का ले रही हूँ। आप चाहें तो आप नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके घर में नारियल तेल है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जितना मैंने जेल लिया है उतना ही मैं ऑयल लूंगी, ये आप देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बनाएंगे जेल उसे आपने या किसी प्लास्टिक के बर्तन में या किसी कांच के बर्तन में बनाना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये एक तरह का जेल बनकर तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा ही बनाया, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि बनाया कैसे जाता है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप एक चम्मच एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो एक चम्मच आपने तेल लेना है, अगर आप दो चम्मच एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आपने दो चम्मच ऑयल लेना है। तो जितना हिस्सा स्ट्रेच मार्क्स का है उतने हिस्से पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मोटापा आने के बाद जब वेट लूज होता है तो उसके बाद भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, कईयों के घुटनों पर भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, हिप्स पर भी होते हैं। तो आपको जहां भी स्ट्रेच मार्क्स दिखें आप वहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करके बताऊंगी, आपने इसे अपने स्ट्रेच मार्क्स वाली जगह पर अप्लाई करना है। इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है, अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं तो आपने इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने छोड़ देना, अगर आप फुल नाइट इसको छोड़ सकते हो तो फुल नाइट भी छोड़ दें, सुबह उठ के आप इसे वॉश कर दें। और अगर आप फुल नाइट नहीं छोड़ सकते तो जितनी देर में ये सूखता है आधा घंटा एक घंटा आप इसे जरूर लगा कर रहें। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ हो गया है ये, इसी तरह से आपने इसको लगा लेना और सूखने पर आधा घंटा एक घंटे के बाद आपने इसे वॉश कर देना। तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेच मार्क और जो कालापन है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको किसी भी चीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मेरी सब रेमेडीज ऐसी हैं जो कि बहुत इजी हैं और घर में अवेलेबल होती है हर चीज। आपको इसका कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होगा, आपको इसके रिजल्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको ये रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, आपको कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।